गुड मॉर्निंग, उठीजिए। हड्डी पसली ठीक करने का मन करता है। हड्डी पसली ठीक करने का मन करता है। ला मैं करूँ। एक भम एक भम ए धम 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 धम। उतर ना बाबू। तो आज यहाँ के कर्टन्स 4 मैंने धोने डाले हैं सखियों। यहाँ पे मेरे चारों कर्टन धुल रहे हैं, जब से लगाएं तब से अब ये कर्टन्स धुल रहे हैं, तो थैंक गॉड। और आज मैंने इन सब की गुड़ाई कर दी है। मेरे बच्चे बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो। एक के बाद एक लीफ आ रही है इसमें, नज़र ना लगे छोटी छोटी। और ये एंड अपराजिता को भी आप देख सकते हो, फिर से ग्रो कर गई है बहुत अच्छे से। ये लो। गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज है 6th डे बप्पा का, एंड अभी पूजा नहीं हुई है। बहुत सारा काम किया है, मतलब पर्दे वर्दे धोए हैं, वो देखो कुछ धोए हुए कपड़े वहाँ हैं, कुछ मशीन में लगे हुए हैं, तो बस फटाफट से काम खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। अब सिर्फ पूजा करनी है, बट मुझे पहले माला लेके आनी है बप्पा के लिए। जो माला मैं लेके आई थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो फटाफट से मैं जा रही हूँ मार्केट माला लेने के लिए, और माला लेके तुरंत आती हूँ। आज पहना है मैंने ये वाला कुर्ता, जो मम्मी ने कभी पहनता, अभी ये गीला गीला हो रखा है क्योंकि मैं जस्ट नहा के आई हूँ। एंड हाँ, आज मैंने चूड़ियाँ भी चेंज कर ली हैं। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, आई एम ऑल्सो हैप्पी। देखो भाई, हमारे घर पपीते लग रहे हैं। पपीता। हाँ। मम्मी चेक के लिए आएगी। चलो। मौसम फिर से मौसम फिर से बरसात आने जैसा हो रहा है, पर आएगी नहीं, मुझे पूरा यकीन है। अभी जब तक हम माला लेके आते हैं। हेलो, तो पार्थू ने ना मुझे चलना सिखाया, कैसे ऐसे, ये है फन वाली चाल, तो मैं भी चलूं। Be a person you don't want. Can somebody save me of the thing I'm going to do? Going to do. जब पार्थू और मैं आते हैं ना, तो हम यहाँ पे ऐसे ही चलते हैं। पार्थू ये सब बच्चे अपनी मम्मी के संग ऐसे चलना रास्ते में, ठीक है? पेपा पिग में देखा था इसमें, ये है फन वाली चाल है पार्थू। चलो चल। लो भाई सखियों, हम आ गए पूजा का सामान लेके अपनी डेस्टिनेशन पे। भिंडी कुंदरू भी लेके आई, फ्रूट भी है। माय गॉड, 2 पेयर सिर्फ 50 रुपीज़। ओह माय गॉड, हे सखियों। तो आज बहुत लेट हो गया पूजा के लिए, पर क्या करो, फूल ही नहीं थे बिल्कुल भी, माला नहीं थी असल में, फूल तो थे माला नहीं थी बिल्कुल भी। तो माला के बगैर पप्पा का पूजा तो देती, पर तो बप्पा का श्रृंगार मैंने कर लिया है सखियों, और बस अब फटाफट से ये सब बर्तन वगैरह मैं धो के आ गई, बप्पा को स्नान करा दिया, एंड अब मैं बस फटाफट से धूपबत्ती कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। वॉच क्या? हाँ, मेरी वॉच। इधर आओ, प्रणाम नहीं किया, आरती नहीं ली, जल्दी दो।
बेटा नीचे बैठो नीचे बैठो, मौसी और ढोक दिन के बाद में पहले सीधे बैठो। इधर इधर मेरे बच्चा। जय 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 भगवान जी, सद्बुद्धि देना इस बच्चे को, अच्छा इंसान बनाना, काइंड पर्सन बनाना। जब भी हम सोते हैं ना तब ना पापा बोलते, हम बोलते गुड नाइट, वो बोलते भाग्य बने हुए, ऐसे बोलते हैं। अरे वो सभी सखियां मेरी खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऐसी कामना के संग गणपति बप्पा मोरिया। Present, ma'am. Id family, id. K I D, kid. Hey, Sakhi, तो पार्थ की क्लास हो गई खत्म और एक बज चुके हैं, एंड अब फटाफट से जा रही हूँ मैं कुछ खाना बनाती हूँ। पप्पा खाना खाएंगे, एंड आज हमने पप्पा को वड़ा पाव खिलाया था सखियों, क्योंकि हमने भी वही खाया था। आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था नाश्ता बनाने, इसलिए सॉरी, जो मैंने एंड बड़ा बनाया था और एंड ज़्यादा लंबा, ठीक कर लेंगे उसको। तो आज मैम ने तारीफ करी पार्थू की, कि पार्थू की हैंड राइटिंग बहुत ही क्लीन है एंड बहुत ही अच्छी है, तो पार्थू को बोला वेल डन। चलो भैया फटाफट से आप कर लेते हैं घर के कुछ काम। तो ये देख सकते हो आप, चाय बनाई मैंने पार्थू की क्लास स्टार्ट होने से पहले, पर मैं पी नहीं पाई। अब मैं इसको पीऊंगी गर्म करके, एक घंटे से ठंडी पड़ी है। एंड यहाँ मैं लाई हूँ भिंडी एंड कुंदरू, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। सिंपल सा बनाना है मुझे, कुछ भी बना दूंगी। की होया पार्थू, अभी आ रहा है। आ गया मम्मा, आ गया सर, आ रहा हूं। होमवर्क फिनिश करके आ रहा हूँ, बोल दो ना। होमवर्क फिनिश हो गया मेरा। चलो ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ, फटाफट जाओ, गो गो गो। खोल लोगे ना अपने आप? यस। खोल लो। अब आपकी जिम्मेवारी नहीं। क्या? अब आपकी जिम्मेवारी नहीं। किस बात की? ये लगाने की जिम्मेवारी नहीं, अब ये लगाने की। अरे देवा 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 देवा, चाय गिर गई रे। अरे राम, अरे भगवान, मैंने क्या किया? इससे क्या साफ करेंगे बाकी? तुम करो साफ, तुम्हारी वजह से गिरी है। एक जो चिल्ला जा रही है पार्ट पार्ट, वो देखो पार्ट पार्ट चिल्ला रही है नीचे से। आ रहा है बेटा, आ रहे हैं बच्चे, आ रहा है। वेट, मास्क मैंने दिया था ना आपको, कहाँ है? फिर आप संभाल के नहीं रखते हो पार्ट, बुरी बात है बेटा, बुरी बात है। अपने आप मास्क के बगैर नहीं जाने दूंगी, मास्क पहनो फिर जाओ, जाओ। अरे भैया जल्दी जाओ, चिल्ला चिल्ला के सोसाइटी सिर पे ले लेगी। जाओ आराम से जाना बेटा, केयरफुल। अरे जा पार्ट पार्ट पार्ट, शोर मचा दिया इस लड़के। ए सखियों, आपको दिख रहा है इसमें एक छोटा सा फूल खिल गया है, दिख रहा है? ओ माय गॉड, देखो कुदरत, गिलास में भी पनप गई है और ऊपर से फूल भी आ गया है इसमें। ये देखो बहुत ही छोटा सा फूल है, लेकिन हाँ निकला है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। ये देखो दिख रहा है ये जो वाली लीफ है ना कैमरे के बिल्कुल पास वाली, उसमें आपको दिखेगा कि बहुत खुशी हुई। चलो इनका पानी ना मैं बदलती रहती हूँ, धोती रहती हूँ। देखोगे ना अगर आप इसमें, देखो वाइट वाइट से ये जो कीड़े होते हैं ये लग रहे हैं। अब अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, तो इनको टाइम आ गया है ट्रांसफ़र करने का गमलों में। ये देखो ये कितना ह्यूज होता जा रहा है बेचारा, तो इनको गमलों में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एंड यहाँ तो इधर का जो था वो पप्पा के पास लगा हुआ है ना, देखो कितनी लड़ाई हो रही है इन दोनों की, बहुत देर से आवाज़ आ रही है। अभी दोनों आए थे शिकायत करने के लिए कि वो तेज चला रही है, वो कह रहा मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मैं नहीं चला रहा। बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं दोनों। वो देखो अब वो पार्थू मुझे झाड़ में से दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है।
अरे रा 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 रा, कुछ नहीं पता इस दुनिया में तो बरसात का, बाप रे। तो फिर से बारिश आ चुकी है सखियों, ये देखो बहुत तेज आ गई है। ए सखियों, तो आज मेरे कर्टन वॉश हो चुके हैं एंड अब मैं सोच रही हूँ इनको प्रेस कर देती हूँ तो थोड़ा चमक आ जाएगा। वैसे कायदे से तो इनको धोबी से ही प्रेस करवाना चाहिए, लेकिन पता नहीं कितने चार्जेस लेगा, अभी मुझे पता भी नहीं है, तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। और बहुत साफ हो गए यार, आज ही बहुत साफ हो गए। तो यहाँ मेरे दिन के राइस बन चुके हैं और यहाँ पे मैंने भिंडी और कुंदरू धो के रखे हैं। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मुझे लगता है भिंडी बना लेनी चाहिए, भिंडी की सब्जी सही रहेगी। और मैं बना रही हूँ ये मूंग और मसूर की दाल, एक कहावत है ना, ये मूंग और मसूर की दाल, तो ये तो बहुत स्वादिष्ट बनती है। ये कहावत क्यों बनी आई डोंट नो। तो क्वांटिटी देखो आप, ये भी बहुत बच जाती है यार हम दोनों में। बनाते बनाते मेरा प्लान चेंज हो गया और अब मैं बना रही हूँ कुंदरू, क्योंकि कुंदरू थोड़े खराब ना हो जाए मुझे ऐसा लग रहा है, तो पहले इनको निपटा देते हैं, बाद में बना लेंगे भिंडी। एंड आज राहुल और अनुप मम्मी के पास जा रखे हैं, तो बस थर्सडे को वापस आ जाएंगे अनुप लोग, फ्राइडे की मॉर्निंग पहुंच जाएंगे, थर्सडे की उनकी ट्रेन है, तो फ्राइडे को वो लोग पहुंच जाएंगे मुंबई फाइनली, और बप्पा के दर्शन कर पाएंगे सखी। उन्होंने अभी तक बस फोटो में ही देखा है बप्पा को। सखियों, तो दाल अभी अभी सीटी लगी है, बट पार्थो को भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, तो मैं क्या किया, जो कुंदरू की सब्जी बना रही थी उसी में राइस मिला दिया। मैं कभी कभी करती हूँ ऐसे, भिंडी की सब्जी में भी ऐसे राइस मिला देती हूँ, बैंगन की सब्जी में भी, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये देखो, मैंने एक बार आई थिंक अपने ब्लॉग में दिखाया भी था कि मैंने भिंडी में बनाया था राइस एंड बहुत टेस्टी लगता है, तो इसमें मैंने बप्पा को भोग लगाया था, फिर जो बप्पा को भोग लगाते हैं उसको वापस से इसमें मिला देती हूँ एंड फिर हम लोग खा लेते हैं। तो ये बन गया हमारा आज का खाना, दही के संग मैं इसको खा लूंगी, इन पार्थो तो ऐसे ही खाएगा। तो ये देखो येलो राइस बन गए, पार्थ कम आओ बेटा। यही सखियों, तो मैं यहाँ खाना वाना खाने के बाद तब से एडिटिंग पे बैठी हुई हूँ, 4:30 बज चुके हैं एंड अभी थोड़ी देर बाद चाय पीने चलेंगे। जी बेटा, 5 कप बजेंगे 5 बजे बज जाएंगे बेटा। सहजल कौर कब आएगी? सहजल कौर के अलावा कोई और दोस्त नहीं है तुम्हारा? अरे नानिया, ठीक है, तो 4:30 हो गए, अभी चाय पीने चलेंगे आप और मैं, ठीक है। तो सखियों 7:25 हो चुके हैं, 6:30 बजे से वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अब देखो ऐसे ऐसे चले जा रहा है, मतलब लिटरली 1 घंटा होने वाला है मुझे, हम बैठे बैठे टाइम इतना वेस्ट होता है, पूजा करने का टाइम हो चुका है और वीडियो टाइम पे नहीं पहुँच रही है, मतलब पता नहीं क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं से देखो ये पता नहीं क्या क्या डरावनी चीज़ें बनाता रहता है। ये क्या बनाया आज? पीजे मार्क्स है किस एंगल से भैया? लेकिन ये ना, ये है ना इसका चश्मा है, पीजे मार्क्स का बड़ा वाला, पीजे मार्क्स का चश्मा है। हाँ, और ये ना आउलेट गैंगो कैटबॉय का मिक्स वाला है। ओके, तो सखियों आप अभी भी देख सकते हो ये प्रोसेसिंग HD में चल रहा है, थंबनेल नहीं ले रहा है, फिर भी मैंने अपलोड कर दी, मैंने कहा देखा जाएगा। इवन मैंने इसमें नेपाली जो सॉन्ग का म्यूज़िक डाला है ना, मुझे लगता है उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मिलते ही 5 लाइक 1 कमेंट एंड 1 व्यूज, लड़कियाँ देखने से पहले लाइक कर रही हैं, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
एंड यहाँ पे वो जो एक डिसलाइक देने वाला था ना वो भूल चुका है, 100% लाइक है, 24 लाइक्स के लिए। थैंक यू सखियों, थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है। 1400 व्यू में 224 लाइक आज तक नहीं आए, रिकॉर्ड है। थैंक यू सो मच मेरी ब्यूटीफुल सखियों, थैंक यू सो मच फॉर लाइक, ऐसे ही चाहिए। एंड आप यहाँ देख सकते हो थंबनेल नहीं ले रहा है आज, बट मैंने फिर भी अपलोड कर दी है, पहचान लेंगी सखियाँ की सीमा की वीडियो। देखो अब मैं चली पूजा करने, तो पूजा मैंने कर ली है सखियों, पापा का आशीर्वाद ले लो आप भी। जय 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 पापा, जय गजानन महाराज की जय, जय जय गजानन महाराज की जय। तो 8 बज गए सखियों, पार्थू देख रहा है कार्टून, पार्थू देख रहा है कार्टून। एंड पार्थू बता रहा था कि मम्मी नीचे सोसाइटी में आपको बुला रहे थे, और एक आंटी हैं जो बहुत अच्छी हैं, मतलब कई बार काफ़ी एज की है, मैंने कई आई थिंक जिक्र भी किया है कि होली के टाइम पे उन्होंने सिर्फ वही हैं जो यहाँ पे बात करती हैं, तो बहुत अच्छी, वो राजस्थान से थी बट यहीं पे उनको 40-50 साल हो गए तो एजेड है थोड़ी। तो पार्थू को कह रही थी कि मम्मी को लेके आना नीचे गणपति में, और मैं कैसे जाऊँ, अब कोई है नहीं घर में, पीछे से छोड़ के कैसे जाऊँ, इसलिए मैं तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन पार्थू को भेज दूँगी अभी। तो यहाँ पे भी सोसाइटी में भी गणपति रखे हैं ना, आगे हमारे भी सोसाइटी में टेंट लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, बट ये है कि मैंने अभी तक रात का कुछ देखा ही नहीं, मैं उस साइड गई नहीं जहाँ पे ये सब लाइटें वाइटें लगी हुई हैं, तो मैं घर पे ही हूँ। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बर्तन वर्तन मांजती हूँ थोड़े बहुत जो दिन के रखे हुए हैं, थोड़े चाय वाय के जो हो जाते हैं, एंड बस फिर उसके बाद क्या करूँगी। हाँ आज पार्थू को पैन केक खाने, तो आज पार्थू और पप्पा के लिए मैं पैन केक बनाऊँगी। एंड चलो फिर इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लगो और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना मेरी ब्यूटीफुल सखियों, बाय बाय, एंड लाइक देके जाना।